कांग्रेस की बातों और कांग्रेस के वादों पर आज देश बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। इसका कारण है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। कांग्रेस ने 60 साल तक पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार चलती थी, उन्हीं का झंडा था। लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने आदिवासियों का न विकास दिया और न ही मान सम्मान दिया। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो पहली बार मेरे आदिवासी भाई बहनों को वो सम्मान मिलना शुरू हुआ जिसके वो हकदार है। आप मुझे बताइए भाई, क्या ये आदिवासी समाज मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद पैदा हुआ है क्या? जरा जवाब दो, क्या मोदी आया उसके बाद आदिवासी समाज पैदा हुआ है क्या? क्या आदिवासी समाज देश आजाद हुआ तब था कि नहीं था? जरा सब मिलकर जवाब दीजिए। आदिवासी समाज जब देश आजाद हुआ तब था कि नहीं था? आदिवासी समाज जब भगवान रामचंद्र थे तब था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस वालों को पता ही नहीं था। जो आपको पता है वो कांग्रेस वालों को नहीं था। आप कल्पना कीजिए, आजादी के बाद देश में आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय ही नहीं था, अलग बजट नहीं था, अलग व्यवस्था नहीं थी। सालों साल कितने ही प्रधानमंत्री आके गए, बस चलता रहा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए, उनकी सरकार बनी, तब देश में पहली बार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हो क्या? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हो क्या? सड़क, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं आदिवासी गांवों में अब भाजपा सरकार पहुंचा रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब आदिवासी मंत्रालय का बजट बहुत ही कम था। आज आदिवासी विकास के लिए भाजपा सरकार का बजट, मेरे पहले 10 साल वो थे ना, उनकी रिमोट सरकार चलती थी, याद है ना, उस समय बजट बहुत कम था, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का आज बजट है। हमने एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या में 5 गुना से अधिक बढ़ाई है। हमने लाखों आदिवासी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी बड़ी वृद्धि की है। साथियों, भाजपा के डबल इंजन सरकार से एमपी के आदिवासी परिवारों को डबल लाभ हुआ है। देश भर में हमने अपने सेवाकाल में आदिवासी परिवारों को 8 लाख से अधिक पट्टे दिए। यहां भी हजारों परिवारों को पट्टे मिले हैं। यहां पेशा का लाभ भी लाखों लोगों को मिला है। साथियों, देश में कांग्रेस की सरकार जब थी तो भूख से मौतों की खबरें सबसे अधिक आदिवासी क्षेत्रों से ही आती थी। मैंने तय किया कि आदिवासी परिवारों की चिंता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। और इसलिए मैंने, जब कोरोना का कठिन काल था, चारों तरफ मौत मंडरा रहा था, तब मैंने तय किया था किसी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, किसी बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगा, किसी माँ को आंसू बहाने पड़े ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना शुरू की। मुफ्त राशन मिले, आप भी यहां से बहुत लोग होंगे जिनको आज भी मुफ्त राशन मिलता होगा।
अब ये 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है ये तो पुण्य का काम है, इसको बंद नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आप मुझे बताइए, ये गरीब को हम कभी खाना खिलाएं तो पुण्य का काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गरीब की सेवा करने से पुण्य मिलता है ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज पिछले 3 साल से गरीब को मुफ्त में अनाज मिलता है तो उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरा सब बताइए, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मुझे बताइए पुण्य किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? अरे ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने एक वोट मोदी को दिया, उसके कारण मोदी ये गरीबों की सेवा करता है। ये पुण्य के हकदार आप हैं, और इसलिए आगे भी पुण्य मिलता रहे, इसलिए मोदी का निश्चय है, मोदी का संकल्प है कि दिसंबर में योजना बंद नहीं करूंगा, 5 साल और बढ़ा दूंगा। यहां एमपी की भाजपा सरकार राशन आपके ग्राम योजना के तहत गांव गांव राशन पहुंचाने में जुटी है। यहां भाजपा सरकार सैकड़ों आदिवासी युवाओं को हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग देती है। आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जरूर सुना होगा। जो साथी हाथ के शिल्प से जुड़े हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, खिलौने बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं, कपड़े धोते हैं, ऐसे हर साथी के लिए 13,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी सरकार ने बनाई है। साथियों, कांग्रेस सरकार जब थी तब आदिवासी बच्चों का टीकाकरण भी बहुत कम होता था। आज मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का दायरा बहुत अधिक बढ़ा है। आज पीएम मातृवंदना योजना के माध्यम से गर्भवती बेटियों के लिए सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। शिवराज जी की सरकार भी लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एमपी की लाखों बहनों को मदद दे रहे हैं। आदिवासी परिवार की बहनों को भी विशेष सहायता दी जाती है। ये भी भाजपा सरकार ही है जिसने पहली बार सिकल सेल बीमारी दूर करने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस तो सिर्फ 7-8 वन उपजों पर ही समर्थन मूल्य देती थी। आज भाजपा सरकार 90 से अधिक वन उपजों पर एमएसपी देती है। ये भाजपा सरकार है जो वन धन योजना लेकर आई है। आज एमपी की हजारों आदिवासी बहनें इस योजना की मदद से अपनी आय बढ़ा रही है।